कब तक लगाएंगे? बाबा साहब की औलाद है, कब तक लगाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि इंसाफ आएगा, इंसाफ दो सबको। ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे कमजोर करा जाए, भाई इन्हें भगाया जाए। ये हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है पुलिस प्रशासन, उनकी पुलिस प्रशासन की तानाशाही है ये। और ये लोग लाठी के दम पे चलने का, लाठी के दम पे चलना तो एक बार तय कर लो, फिर हम लाठी के दम पे चलेंगे। मैडम वर्दी वालों को एक एक का अगर अच्छे से इलाज नहीं कर दिया, वर्दी उतार के आ जाओ। फिर जब आक्रोश आता है लोगों को, फिर आक्रोश का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप किसी पे लाठी चार्ज ना करें। एक समुदाय के ऊपर आप जो वार कर रहे हो, तो ये आतंकवादी से आप कम नहीं हो। वार करने का मतलब है कि आप जो जातिवादी मानसिकता मैं सोच रखने वाले घटिया किस्म के जो है गुंडे प्रगति के इंसान हो, यही जनता है वोट के माध्यम से जवाब देगी। 2024 में ये सारी ये तानाशाही सब खत्म हो जाएगी, जनता जागरी है और ये लगा लो ये जनता ये इंसाफ करेगी। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट फैकल्टी में। बीते दिनों से जो 150 दिन से जो डॉक्टर रितु सिंह का धरना चल रहा था, उसके बाद आज एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन पहले ही पुलिस ने बैरिगेटिंग कर दी और लोगों को तितर बितर कर दिया। और हद तो इतनी हो गई है कि मीडिया तक को उनकी रिपोर्टिंग तक नहीं करने दे रहे, उन तक को उठा के ले जा रहे, कह रहे हैं कि उनको भी डिटेन कर लेंगे क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर। सर क्या कहेंगे, आपको लेके जा रहे थे? देखिए ये पुलिस का तानाशाह रवैया ये बड़ा ही शर्मनाक है। और कल रात को भाई आशुतोष के ऊपर आरएसएस के गुंडों द्वारा हमला किया गया, जिनके फिर उसके बाद रात को सफदरजंग हॉस्पिटल में हम गए तो वहाँ पर भी उनके एमएलसी के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस वाले जो हैं कहीं ना कहीं आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथियों को इस चीज को भुगतना पड़ रहा है। मतलब अब क्या धरना प्रदर्शन करने की भी आजादी छीन ली गई है? देखिए आजादी छीन नहीं लगी, ये तानाशाही है। और दूसरी चीज देखिए, रितु जितने दिन से आंदोलन पर बैठी है ये, इस लड़की को अभी तक न्याय मिल जाना चाहिए था। और न्याय मांग रही है, वो आपसे नौकरी नहीं मांग रही, वो न्याय मांग रही है। न्याय का मतलब ये होता है कि जैसे जिस आदमी ने जिसका शोषण किया है, शोषण के खिलाफ जिसके नाम उसने FIR करी है, वो जो प्रिंसिपल है, वो जातिवादी मानसिकता की प्रिंसिपल है, तो उसको अरेस्ट करके और इसको न्याय देना चाहिए था। लेकिन लग रहा है पुलिस भी जातिवादी हो गई, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा तक नहीं होने दे रही है, मीडिया तक को उनके काम नहीं करने दे रही है। पुलिस में अभी क्या किया है इन्होंने कि चुन चुन करके जातिवादी लोग लाए गए हैं पुलिस में, और जो जातिवादी लोग हैं वही इस तरीके का काम कर रहे हैं। और राज्य उसके साथ में जो इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, और जब ये झंड नहीं झुक पा रहे तो क्या होता है, राम शाम दंड भेद सारा कुछ अपनाना चाह रहे हैं वो। उन्होंने क्या किया है कि जब उन्होंने ये देखा कि भाई ये झुकना नहीं चाह रहे ये, और इनको दबाव किस तरीके से लाया जाए, तो पहले शासन प्रशासन नहीं तो गुंडों के माध्यम से जो जातिवादी के तौर पर जो तथाकथित कुछ गुंडे इन्होंने इकट्ठे करे रात को, और उस पर लड़के पे इन्होंने चाय द्वारा, तो गर्म चाय से उनके ऊपर जो वार किया गया। वार करने का मतलब है कि आप जो जातिवादी मानसिकता मैं सोच रखने वाले घटिया किस्म के जो है गुंडे प्रगति के इंसान हो। ये भी बोला जा रहा है कि चाकू से वार करने की भी कोशिश की गई है। नहीं, चाकू से वार, अब देखिए अब अकेला है वो, अगर 17-18 आदमी चिपटते हैं, हम इस चीज का चैलेंज देते हैं, शासन हटा दे पुलिस को, और अगर आपके अंदर इतनी ताकत है ना, तो आप अकेले करके किसी भी बहुजन लड़के से किसी से भी आप लड़ा लीजिए, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है। हम इस चीज़ का भी चैलेंज करते हैं, लेकिन अगर संविधान के दायरे में अगर कोई आदमी आपसे अपनी बिल्कुल अपने तरीके से अगर आपसे इंसाफ मांग रहा है, तो आपका हक बनता है कि उसको इंसाफ देना चाहिए। क्या ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ा धरना प्रदर्शन था, तो उसको रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है? जी वो तो करेंगे रोकने की, क्योंकि धरना तो वो रोकेंगे, क्योंकि धरना रोकने का उनका मतलब यही है कि आप उनसे इंसाफ ना मांगें किसी भी तरीके से। तो इंसाफ मांगना ही धरना रोकना है उनका। अब उन्होंने इंसाफ की अपना बात करी, तो जब उनको ये नज़र आ रहा है कि भई अब इंसाफ की तरफ जा रहा है रास्ता, तो उन्होंने जो है जातिवादी गुंडों के माध्यम से आतंकवादी घटना कर, ये आतंकवादी घटना एक तरीके से कि एक समुदाय के ऊपर आप जो वार कर रहे हो, तो ये आतंकवादी से आप कम नहीं हो। तो सीधे तौर पर सरकार पे सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस अमित शाह की इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है। समय सब बदलता है, यही जनता है वोट के माध्यम से जवाब देगी। जिस दिन सरकार गिरेगी इन्हीं पे वो उल्टी कार्रवाई होगी, फिर अपने आप इनको जवाब मिलेगा। आज सुबह क्या हुआ था, आप थोड़ा बताएंगे ये संक्षेप में? नहीं देखिए, सुबह का तो जैसे लोग वहाँ पे पहुँचने पे जिन लोगों को जैसे जैसे इकट्ठे होते रहे, दो दो चार चार पाँच पाँच दस दस बीस बीस,
बंदों को ये इकट्ठे करते रहे और 5-7 गाड़ियां इन्होंने जो है अभी तक 7-8 गाड़ियां तकरीबन अरेस्ट करके और भेज दिया इन्होंने। हाँ, अभी 4 गाड़ी भर के ले गए थे हमारी। हाँ। और 4 गाड़ी भरने के बाद में अब वहाँ से हम कैसे निकल गए, ये लगा आप पता ना, ये अब ये पता ना कहाँ लेके जा रहे हैं, पता ना ये लगा जितने भी हमारे लेके जाएंगे पुलिस वाले। अभी हम वही नोल्थ उस पे आए हैं, पुलिस लाइन से होके आए हैं, निकल गए हैं पुलिस वालों से। हाँ। और अपनी बाइक खड़ी ही बाइक लेने के लिए आए हैं हम। हाँ, हाँ बाकी सब पुलिस वाले वहीं लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ तक भी रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहे, पुलिस वाले यहाँ भी आके रोक सकते हैं। आज ये पुलिस प्रशासन उनकी पुलिस प्रशासन की तानाशाही है ये। हाँ। जैसे हम अपनी बहन के धरने पे आए हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, तो बस वो ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे कमजोर करा जाए, इन्हें भगाया जाए। ये हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। आप क्या एक बहुजन आवाज भी नहीं उठा सकता है क्या? नहीं उठाने के लिए तो पूरी पब्लिक आई पड़ी है, पूरे रोड भरे पड़े हैं, लेकिन पुलिस की तानाशाही चल रही है जी। कोई बात नहीं है, 2024 में ये सारी ये तानाशाही ये सब खत्म हो जाएगी, जनता जाग रही है और ये लगा लो ये जनता ये इंसाफ करेगी, देख लेना। आने वाले जनता को प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा, पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। मैडम बर्दी वालों को एक एक का अगर अच्छे से इलाज नहीं कर दिया, बर्दी उतार के आ जाओ, हम भी भीम आर्मी से ज्वाइन करते हैं सीधा भाई। दो इंटरव्यू सुबह से हमारे बंदे यहाँ पे सुबह सुबह आए, सुबह से हमको ये खबर मिली है कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत से बंदे हमको जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पे सुबह से ही गाड़ियाँ उठा रही हैं। हमारी वो आई थी इंस्टाग्रामर मीनाक्षी, उनको भी उठा लिया इन लोगों ने, 5-6 गाड़ी रात 2 बजे से, हम सुबह 10 बजे यहाँ 4 नंबर गेट पर पहुँचे। इतना पुलिस प्रशासन था, अगर तुम्हें इतने पुलिस प्रशासन रखना है तो किसी और जगह रखो। जब मेट्रो से ही दिख रहा था कि पहले से बैरिकेडिंग और पुलिस वाले वहाँ आ चुके हैं, आप लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, आज ना करने देंगे, 5-6 दिन फिर आएंगे, फिर एक तारीख रखी जाएगी आपकी, फिर से 144 धारा लगा देंगे, फिर ले जाएंगे आपको। अजी कब तक लगाएंगे, कब तक लगाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि इंसाफ दो सबको, एक आएगा दूसरा आएगा। और कब तक जी ले जाएंगे लोग इनको? जब तक मैं सुबह से 7 बजे आया हूँ यहाँ पे, धौलपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ, मेरे को भी ले गए थे बस में रखकर, मैं वहाँ से छूटकर अब आया हूँ। ले जाकर कहाँ छोड़ रहे हैं आप लोगों को? ले जाकर दिल्ली से बाहर छोड़ रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं ये लोग। और एक बंदा था मेरे साथ का, उसको भी उठा लिया, उसकी बहुत बुरी मारपीट करी है SHO साहब। आप लोगों का प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक था, संविधान के हित में था, उसके बाद भी आप लोगों को लेकर जा रहे हैं। हम संविधान के हिस्से चलते हैं हर जगह। और ये लोग लाठी के दम पे चलने का, लाठी के दम पे चलना तो एक बार तय कर लो, फिर हम लाठी के दम पे चलेंगे। आप संविधान से, हम संविधान से चल रहे हैं, हमको संविधान से चलने दो। देखिए मैं एक संदेश देना जरूर चाहता हूँ कि अगर इस चैनल को नेशनल दस्तक का काफी वो है, मेंबर बहुत हैं, और पुलिस तक भी ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं मैं कि अगर प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, करने जो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके ऊपर जो आपके दादाओं का आकाओं का जो आदेश है उस आदेश का पालन करिए, लेकिन इस बहुजन समाज के लोगों पर, इन बहुजन समाज के लोगों पर लाठी चार्ज ना करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो एक दिन ये होगा कि आपकी जो वैल्यू है पुलिस प्रशासन की या मिलिट्री की, वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन पर लाठी चार्ज ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और नहीं तो आपको इस चीज का भी, फिर जब आक्रोश आता है लोगों को, फिर आक्रोश का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप किसी पर लाठी चार्ज ना करें। क्या अभी भी इतना डर है कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोगों को अभी भी इधर से उठा के ले जाएंगे? नहीं वो तो चल रहे हैं, वो तो ये एरिया पूरा इस रोड से लेकर के इधर का एरिया पूरा इन्होंने जो है धारा 144 लगा रखी है, और इसमें जो भी दायरे में आएगा उसको उठाने का काम कर रही है। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भी उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, धारा 144 लगा दी गई, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मतलब जो बहुजन समाज की बेटी है न्याय मांगने निकली है, उसको न्याय नहीं मिल सकता है क्या? जो डॉक्टर सवित और है उसको गिरफ्तार करने की जगह इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो इन लोगों के साथ नारे लगाकर दिख जाएंगे, लेकिन अभी भी ये डर है कि पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। सुबह ये लोग आए थे, उसके बाद इनको उठा के ले गए, इकट्ठा तक नहीं होने दे रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग मेट्रो से ही हो चुकी है, अब देखना ये कब तक चलने वाला है धरने, क्योंकि धरने को 150 दिन। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कल षड्यंत्र रचा है कि जो जिस लड़के पर एसिड डाला है और उसमें यादव नाम इन्होंने यूज किया कि यादव लड़के ने चाय फेंकी है उसके ऊपर गर्म, तो क्या ये एक तरीके से चाय गर्म फेंकना या एसिड फेंकना अटैक करना एक ये कि घातक वार है उस लड़के के ऊपर आंसू तो उसके, लेकिन जो नाम लिया गया है
ये दो समुदाय को या एससी एसटी ओबीसी को कहीं ना कहीं एक ना होने देने का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के चक्कर में ना फंसे। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई करी है उसका यादव नाम हटाएं, सिर्फ उस लड़के का नाम लें, यादव कम्युनिटी को हटाएं, क्योंकि यादव कम्युनिटी अंबेडकरवादी बहुत अच्छी विचारधारा में आ चुका है। तो इसलिए मेरा कहना सभी से ये कि आप भाईचारे को बना करके रखें, बटे ना किसी भी तरीके से। आप एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सबको मिला करके चले, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक मछली पूरे समुद्र को गंदा करती है। तो इसलिए किसी की बातों में ना जाएं, आप एकता बना करके रखें। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और नई चीज देखने को मिल रही है कि अब ये लोग एससी एसटी वालों को भी अलग करें, षड्यंत्र रचा जा रहा है कि यादव समाज के लोग ने उसके ऊपर चाय फेंकी। जो भीम आर्मी के स्टूडेंट प्रेसिडेंट है आशुतोष बौद्ध नाम है उनका, उनके ऊपर चाय फेंकी गई शाम को और वार करने की कोशिश की। ये भी चीजें नजर आ रही है किस तरीके से बहुजन समाज को रोका जा रहा है प्रदर्शन करने से। अब आगे देखने हैं कि 150 दिनों का ये जो धरना है कब तक रुकेगा, कब न्याय मिलेगा डॉक्टर ऋतु को। बाकी पूरी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।